जटायु को अपनी गोदी में लिया राम ने, तो राम बिलक बिलक कर रोए। लेकिन मैं एक मराठी की कथा पढ़ रहा था, एक लोकगीत पढ़ रहा था, उसे गोदी में लेकर रोए लेकिन राम की आंख में आंसू नहीं थे। तो चलते समय जटायु, जिन्हें पिता कहा, तात कहा, उस जटायु ने कहा कि आपको मेरे दिवंगत हो जाने का दुख है, मैं मानता हूं। राम ने कहा, आप चाहो तो मैं आपके शरीर को ठीक कर सकता हूं, इसी शरीर में रहो। जटायु ने कहा, नहीं, मुझे जाना है, और मुझे सुरलोक जाना है, आपके धाम जाना है। तो राम की आंख में आंसू नहीं था। हमारी मराठी की एक कथा है, तो लक्ष्मण ने पूछा कि आप अगर इतने दुखी हैं तो आपकी आंख से एक भी आंसू क्यों नहीं निकला। उन्होंने कहा, मेरे गोदी में मेरे पिता तुल्य गृद्धराज का शरीर है, जिसपे जगह जगह घाव लगे हुए हैं और आंसू में नमक होता है। अगर एक भी आंसू गिरकर इन्हें चलते समय कष्ट पहुंचाए तो मैं पुत्र धर्म का पालन नहीं करूंगा। तो हाथ अगर जुड़ कर रहते हैं, अपनी पंक्तियां सुना रहा हूं, हाथ अगर जुड़ कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं, संकल्पों अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा वाले स्वयं राम बन जाते हैं, तो पर पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं, मानवता की पूरी आंख के सब सपने मानवता की सबसे सुंदर सपने मंगल भव मंगल हारी चलो सुदशरथ अजर अपने 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 मानवता की। एक मित्र के नाते, एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते, एक मैनेजमेंट गुरु के नाते अगर आप राम को डिस्कस करेंगे तो आप जितना भी मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं बड़े बड़े लोगों के, उससे ज्यादा सीख पाएंगे। आज तक के तमाम युवा श्रोताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि नर्सरी और केजी क्लास में आपको कॉन्वेंट में टॉम डिक हैरी की कहानी सुनाकर लास्ट में मैडम पूछती है, सो बेबी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी आता है कि व्हाट आई लर्न की दूसरे की चीजें नहीं चुरानी चाहिए है? अगर आप राम की कहानी सुनेंगे तो आपको प्रतिपल मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलेगा कि भाई की तरह कैसे जीना है, पिता की तरह कैसे जीना है, पति की तरह कैसे जीना है और मित्र की तरह कैसे जीना है।